अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और मुझे बताएं कि आज मौसम कैसा चल रहा है आपके शहर में। हमारे तो इस वक्त थोड़ा सा क्लाउडी है और इस वक्त तो मगरिब का भी टाइम है, और इस वक्त का टाइम मुझे बहुत प्यारा लगता है। इस वक्त इतने प्यारा हो रहा है, इस वक्त पर्पल सा आसमान हो रहा है, बहुत प्यारा। मैं आपको इसकी अभी कुछ देर में आपको वीडियो भी शेयर करूँगी, मैं दिखाऊँगी। और ये कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा, ट्रस्टेड ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ गई हैं कि कुछ समझ नहीं आता हम किस पे ट्रस्ट करें किस पे ट्रस्ट ना करें। मेरे साथ ही बहुत है, और मुझे ये है कि ज़ाहिर है जो हाउस वाइफ्स हैं, मतलब मैं हूँ या और जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, मसला यहाँ आता है कि यार आप हर वक्त बाहर नहीं जा सकते ना। कुछ बहुत बेसिक कुछ चीज़ें भी होती हैं जो आप चाहते हैं कि आपको घर पे ही बैठे बैठे मिल जाएं और ट्रस्ट वर्दी भी हों, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ से शॉप करें कहाँ से नहीं। क्योंकि एक तो दफ़ा मेरे साथ भी हो चुके हैं, कुछ जगहों से मैंने ड्रेसेस मंगाए और ड्रेसेस मेरे पास ऐसे आए कि वो जो मंगाया था उसके बिल्कुल ऑपोजिट था। इवन एक दो दफ़ा मैंने जो है ये मंगाए थे, बर्तन वगैरह मंगाए थे, तो उन्होंने तो मुझे रिप्लाई नहीं किया, मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने एडवांस पेमेंट कर दी थी, मैंने कुछ परसेंट की थी, पूरी नहीं की थी। मेरा 12,000 का ऑर्डर था, लेकिन मैंने 12,000 पे नहीं किए थे, जस्ट 3,000 पे किए थे। उन्होंने 3,000 लिए और मुझे ब्लॉक कर दिया। तो अब ये है कि आज मैं आपको बताऊंगी कि जहाँ से मैं 6 ईयर्स, अबाउट 6 to 7 ईयर्स से मैं शॉप कर रही हूँ, तो मैं आपको उसका लिंक शेयर करूँगी और वो बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी हैं। आपको वो ग्रुप में भी ऐड करेंगे और वो ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इवन एट द स्पॉट भी ऑनलाइन पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कैश ऑन डिलीवरी भी करेंगे, इवन आप सामान चेक भी कर सकती हैं। अगर चेंज करवाना हो आप चेंज भी करवा सकती हैं, और वो बहुत पोलाइटली आपकी सारी बात भी सुनेंगे, आपको बताएंगे भी हर चीज़। तो ये है कि ये इस पेज का मैं आपको लिंक शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और अभी मेरे पास कुछ सामान भी आया हुआ है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको खोलने के लिए, क्योंकि जब सामान आता है ना तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। मुझे होता है मैं जल्दी से खोलूँ उसको, अनबॉक्स करूँ और मैं देखूँ सारा अपना सामान। और यहाँ से मैं इतनी दफ़ा मंगाया है मैंने, मैं अराउंड 6 to 7 ईयर्स से मैं यहाँ से शॉप कर रही हूँ। मैं इतनी शॉपिंग यहाँ से की है ना, यानी कि मेरे घर का किचन का आप समझ रहे हैं, 90% सामान सब वहीं का है। मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको वो सब शेयर करूंगी, आपको मैं सब दिखाऊंगी, जितने मेरे बर्तन हैं उनकी जो क्वालिटी वगैरह हर चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन फ़िलहाल जो है हम अनबॉक्सिंग करेंगे जो आज मैंने सामान मंगाया है। तो चलते हैं, फिर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सामान ओपन करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कितना प्यारा सामान हो रहा है, और मगरिब का टाइम है और ये इतना कोई हसीन हो रहा है ना, मुझे ये बहुत ही, इस वक्त जो एक डार्क पर्पल सा भी आसमान होता है मगरिब के टाइम, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इस वक्त मैंने कहा मैं पहले अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि बाहर कितना प्यारा मौसम हो रहा है। चलो अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। चलें तो फिर हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास अभी क्या क्या सामान आया है। ये है एक बॉक्स, देखें मैं दिखाऊँ आपको। एक ये है, ये देखें आपको दिख रहा है, अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। और एक और है मेरे पास, बस गिरना नहीं। और एक ये बॉक्स है, इट्स टू हैवी, ये कार्टन है, ठीक है। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, और पेपर कटर या सीज़र दोनों ही मैं भूल गई हूँ, तो वो मैं लेकर आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके अनबॉक्स कर। कैंची आ गई है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो है इसको देखते हैं, इसको मैं यहाँ पे ले आती हूँ ताकि आपको भी नज़र आ जाए। ये आई गेस मैंने ये बास्केट है, ये वेजिटेबल बास्केट, तो ये उसके लिए है। ये मैं इसको आपको दिखाती हूँ, मुझे बहुत शौक है कि किचन की चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, और मैं कंटिन्यूसली मैं लेती भी रहती हूँ। और ये मेरे इतने ट्रस्टेड हैं, ये मैं इनसे इतनी शॉपिंग की है। यहाँ को पीछे डिवाइडर दिख रहा है, डिवाइडर में जितने बर्तन हैं ये मैंने इसके अंदर और जो आपको ऊपर से दिख रहे हैं ये सब वहीं से लिए हैं। तो मुझे ऐसे बहुत शौक़ है, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ, और फिर बाद में मुझे मैं सोचती हूँ यार ये इतने की थी, लेकिन मैं ले लेती हूँ किसी तरह से कोशिश करके, क्योंकि समटाइम्स होता है कि चीज़ें रेंज से बाहर भी हो जाती हैं। मैं एक मंथली बजट बनाती हूँ, लेकिन समटाइम्स जो है ना उस बजट से बाहर हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी ये है कि मैं
सेम मन ना सही अगले महीने, लेकिन ले लेती हूँ किसी तरह से ना। अच्छा जी, उफ़, इसकी कटिंग करते करते मैं थक गई हूँ। यहाँ से भी इसकी कटिंग है। इन्होंने पैकिंग इतनी अच्छी तरह से की है कि आपके डैमेज होने का तो कोई ख़तरा ही नहीं है। यानी आप ज़िंदगी में कभी शिकायत उनसे कर ही नहीं सकते हैं कि ये चीज़ डैमेज हुई भी आई। वाओ, ये बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट बास्केट है। और ये देखें, इसके अंदर से ये निकला है और ये बहुत ही अच्छी बास्केट है। मतलब मैं जैसी देखी थी सेम वैसे ही है। यहाँ पे यही जो है ना, ये वही ट्रस्टवर्दी इतने हैं ये कि आप इनसे जो चीज़ आप देखेंगे, जो आप सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने वही चीज़ आएगी। मतलब कोई धोखा धड़ी, कोई झूठ, कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से बिल्कुल आंखें बंद करके कर सकते हैं शॉपिंग। अच्छा, मैं आपको पेज का नाम बताना तो भूल गई। पेज का नाम मैं आपको बता देती हूँ, ये है एन ए कलेक्शंस है। और इसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं एक दफ़ा सर्च कर रही थी तो वहाँ पर एन ए कलेक्शंस और भी थे, तो इसलिए मैं आपको लिंक शेयर करूँगी। तो आपने डायरेक्ट सिर्फ उसी लिंक में ही जाना है। इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं शेयर कर दूँगी आपसे, ताकि आप लोगों को कुछ भी लेना, आप बिल्कुल मेरा रेफरेंस लेके भी ले सकते हैं चीज़ें। मरियम रहमान नेम है मेरा पूरा, और आप मेरे रेफरेंस से आप आराम से ले सकते हैं। मैं इतनी उनसे शॉपिंग करती हूँ, उनको मेरा नाम याद है बिल्कुल, आप भी कर सकते हैं। ओह, इसका अनबॉक्स करते करते मैं बहुत थक गई हूँ। एनर्जी चाहिए मुझे थोड़ी सी ब्रेक। अब वापस स्टार्ट करते हैं। इसको खोलना, और मैं आपको फिर असेंबल करके भी दिखाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरा ओपन करके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो ये मैंने ओपन कर लिया है। अच्छा, आपको ज़रा सही से समझ आ जाए तो मैं थोड़ा करीब कर देती हूँ। ये इस तरह के बास्केट्स हैं, और ये भी बता दूँ इसके थोड़ा शाइनी हो रहा है तो आपको फिर नज़र ना आए। ये हैं, और ये डिटैचेबल हैं। ये इस तरह नहीं होंगी, ये देखें, ये इस तरह से ये हैंग हो जाती है। तो ये बास्केट है, क्योंकि जब आपका जो ओपन किचन हो, उनको जो है वहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि हम लोगों का जैसे लिविंग रूम के साथ है, और बहुत सारे आजकल चल ही वाले किचन है, तो उधर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको थोड़ी अच्छी ही चीज़ें रखनी पड़ती हैं। वो प्लास्टिक की बास्केट्स मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये बास्केट है, ये अफोर्डेबल भी है और ये क्लासी भी है। रॉड आयरन की बनी हुई है, ब्लैक कलर की। आप बिल्कुल ही परचेज़ कर सकते हैं, एन ए कलेक्शन से आपको मिल जाएगी। बाकी और सामान है वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। अच्छा, और सामान जो है वो ये रहा, ये बॉक्स। ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है? आपको नज़र नहीं आ रहा शायद। चलो मैं इसमें ओपन करती हूँ। ओपन करके मैं आपकी चीज़ें, मेरी सीज़र कांगी, ओपन करके इसकी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ। ये भी सेम वहीं से लिया मैंने, एन ए कलेक्शन से ही। चलिए, तो आसानी से ओपन हो गया है। तो ओ वाओ, इसमें इतनी सारी चीज़ निकली है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं ये पल्सेस ऑर्गेनाइज़र है। इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ, शायद ओपन कर लूँगी तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा सही से समझ आएगा। तो ये मैं दिखा देती हूँ, एहतियात से होती हैं, ये चीज़ें बहुत डेलिकेट होती हैं, तो ये बहुत ही एहतियात से होती हैं। अच्छा, ये है, और ये जो है ना, ये इसकी नीचे रखता है। अभी खोलूँगी तो ये जो है थोड़ा असेंबल करनी पड़ेगी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब हैं, पोर्शन हैं इसके, और ये इसके ड्रॉर है। इसको पूरा असेंबल करना होगा। मैं आपको असेंबल करके अपने किचन में रखूँगी, तो फिर मैं आपको उसका ब्लॉग बना के दिखाऊँगी, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें हैं, ओके, ये भी ऑर्गेनाइज़र है, ये स्पाइस ऑर्गेनाइज़र है। इसके ऊपर कोई पिक्चर नहीं है, पर मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। ये
स्पाइस ऑर्गेनाइजर है और ये जो है ये वॉल में स्टिक होगा, ये वॉल में स्टिक होगा और ये इस तरह से ओपन होगा और इसके अंदर आप नमक मिर्च वगैरह भी सब रख सकते हैं। इस तरह से बंद हो, ये हो गया है हमारे पास। और ये बॉटल्स हैं, ये बॉटल्स मैंने मंगाई है, मुझे ये बॉटल्स बहुत पसंद है। मेरी एक बॉटल की ऑलरेडी टूट चुकी है तो ये मेरे पास ये चार है ना, ये है इसमें मैं रखती हूँ, एक मैंने ऑयल रखा है और बाकी तीन में मैंने सॉसेस रखे हैं, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, ये तीन चीज़ रखी हैं। और अभी मैंने ये बॉटल्स मैंने दो मंगाई हैं क्योंकि ऑयल के लिए बड़ा मसला होता है, तो मैंने कहा दो में, एक में जो फ्रेश ऑयल है वो इसमें पोर करूँगी और एक में जो यूज ऑयल जो आपकी कढ़ाई वगैरह में बच जाता है वो आप उसको छान के दूसरे में डाल दें रीयूज़ के लिए, क्योंकि उसमें पड़ा रहता है तो आपकी कढ़ाई फ्राइंग पैन एक ऑक्यूपाई रहते हैं, तो आप अगर बॉटल में डाल देंगे तो वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा और गंदा नहीं रहेगा किचन में। ठीक है, मैं टकराई कर दूँ उस पर। अच्छा, एक मैं लिया है ये जो है ये शाही सफाई वगैरह, इस तरह की जो सौंफ वगैरह होती हैं वो अपने टेबल पर रखने के लिए मैंने लिया है, बिकॉज हमारे घर में हर वक्त सौंफ चाहिए होती है, सबको इतने एडिक्टेड हैं, तो इसलिए मैंने ये रखा है, ये बहुत क्यूट लग रहा था तो ये बन गया है। खोल के भी दिखा देती हूँ, इस तरह से ओपन होगा, आपने जो भी निकालने हैं आप चम्मच से निकालो और वापस बन जाएगा। और क्या है, अच्छा ये है एक हमारी कटलरी ट्रे, ये ड्रॉअर में आप ये रख सकते हैं चम्मच वगैरह के लिए और आपकी बहुत अच्छे से आपका ड्रॉअर ऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे ड्रॉअर के अंदर चीज़ें डाल देते हैं तो चम्मच सारे एक दूसरे मिक्स हो जाते हैं, तो ये है कि आप आराम से एक में आप टेबल स्पून रख लें, एक में टी स्पून रख लें, एक में नाइफ रख लें, एक में फोर्क रख लें, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हैं। ओके, और कुछ भी नहीं है, तो ये सारी थी मेरी शॉपिंग जिसको ओपन करके मुझे बहुत जल्दी हुई थी, क्योंकि मुझे यही था कि मैं पहले मगरिब का टाइम वर्क कर नमाज पढ़ लूँ, फिर सुकून से मैं जो ये अनबॉक्स करूँगी। अच्छा, तो पेज का लिंक और उनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, आपने वहाँ पर जाना है उनसे, आप बिल्कुल शॉपिंग कर सकते हैं और शॉपिंग पे आप मेरा नाम ज़रूर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप मेरे रेफरेंस के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, और बाकी जो है मैं आपको अपना जो किचन है ऑर्गेनाइज करके कुछ चीज़ें जो ये न्यू चीज़ें आई हैं ये सब ऑर्गेनाइज करके मैं आपको ज़रूर शो करूँगी, और फिर नेक्स्ट ब्लॉग भी बनाऊँगी जिसमें मैंने एन ए कलेक्शन से ही सारे बर्तन लिए हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर शो करूँगी, उसकी क्वालिटी वगैरह सब मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दुआ याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।